बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करेंगे शुरू। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन फुगानी कढ़ाई। चिकन फुगानी कढ़ाई बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है और ये कैसे बनती है? माशाल्लाह चिकन फुगानी कढ़ाई बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही टेस्टी होती है। तो चले चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसके लिए जो है मैंने 2 kg गोश्त ले लिया, ये मैंने साफ करके रख लिया। तो इसके अंदर मसाले जाएंगे वो है 2 चम्मच काली मिर्च, 2 चम्मच धनिया पाउडर है, 1 चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच हल्दी पाउडर है, 1.5 चम्मच नमक है। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक आप डाल सकते हो। 8 अदद मैंने टमाटर ले लिए, इसको कटिंग करके मैंने 2-2 पीस रख लिए हैं। और 5 से 6 अदद जो है ना सब्ज मिर्च ले लिए, उसकी मैंने जो है ना 2 पीस करके रख लिए। नींबू का रस जाएगा, 2 नींबू ले लिए और 1 चम्मच धनिया ले लिए सब्ज। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने ग्राइंड करके रख लिया इसके अंदर 1-1 चम्मच। और एक ये लिया मैंने क्रीम और ये लिया दही। तो कुकिंग ऑयल डाल के करते हैं जी शुरू। जी माशाल्लाह कढ़ाई के ऊपर आके चूल्हा मैंने जला लिया, कुकिंग ऑयल जो है ना मैंने डाल लिया, वो गर्म हो चुका है। अभी इसके अंदर जो है ना चिकन को डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चिकन को डाल के, चिकन जो है ना मैंने डाल लिया माशाल्लाह। चिकन को फ्राई कर लेते हैं। चिकन को इतना फ्राई करेंगे तब तक जब तक चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता। जब चिकन का कलर चेंज हो जाए इसके अंदर जो है ना नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे जी माशाल्लाह। जब इस तरह का कलर हो जाए चिकन का, उसके अंदर जो है ना आप लोग 1 चम्मच नमक ऐड कर लें। नमक ऐड कर लेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे और साथ ही इसके जो है अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और इन्हें अच्छे तरीके के साथ मिक्स करेंगे। इन्हें जो है मिक्स करके 2 से 3 मिनट इसके अंदर जो है भून लेंगे। तो मैं अपने छोटे भाई से मिला रहा हूँ, आपको इसका पता ही है माशाल्लाह, ये YouTube की पहचान है, नेचुरल टैलेंट साहब इसका चैनल का नाम है। ये रजवान भाई है, कादरी साहब आप लोग इससे बात करें और मैं रेसिपी की तरफ देख रहा हूँ। तो माशाल्लाह हमारी रेसिपी बहुत ही प्यारी बन रही है। हम भी बहुत मजेदार। तो अभी मैं इसके अंदर जो है टमाटर को ऐड करूंगा। इसमें भाई साहब बाहर से हैं जी, हमारे पहली दफ़ा मैं इनकी रेसिपी खाने लगा हूँ और मेरे इनके साथ बैठ लगी है कि अगर मुझे आपकी रेसिपी का मज़ा नहीं आया तो मैं आपके मुंह पे भरूंगा कि मुझे आपकी रेसिपी का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। ठीक है, तो आज यही देखने का, आज कंपटीशन है बहुत बड़ा, तो इंशाल्लाह आपको वीडियो के एंड पे बताएंगे कि इनकी रेसिपी का मज़ा है या नहीं। उस वक्त तक मैं हम भी के जो है ना चूसे जिसको बोलते हैं चूपा मतलब पंजाबी में, ये ले रहा हूँ। आप लोग वीडियो को स्किप मत करना, तो वीडियो का जो है ना आप लोग फीडबैक जरूर देना कि आप लोगों को हमारी रेसिपी कैसी लगी है। तो रजवान भाई के साथ हमारा चैलेंज ये है कि वो कह रहा था कि रेसिपी का टेस्ट ना आया तो मैं वीडियो के अंदर ही बताऊंगा टेस्ट है या नहीं है। तो इंशाल्लाह आप लोग इस वीडियो को स्किप मत करें और फुल वॉच करें। तो इंशाल्लाह आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर जरूर कर देना। टमाटर मैंने डाल लिए, इसको ऊपर से मैं 2 मिनट के लिए कवर करके रखने लगा जी। अभी इसे जो है ना चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह ये जो टमाटर के छिलके हैं ये इस चम्मच की मदद से जो है ना चिमटे की मदद से उतार लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे जो है ना इसको पकड़ के उतार लेंगे, एक प्लेट में रख लेते हैं। ये सारे छिलके जो है ना बाईसानी से ऐसे आराम से उतर जाएंगे। ये देखें, इसको जो है ना 2 मिनट के लिए कवर करके रखें तो ये सारे छिलके ऐसे उतर जाते हैं। तो आप लोग ऐसे छिलके उतार लें, ऐसे सब छिलके मैं उतार लेता हूँ। छिलके उतार के इन्हें जो है ना मिक्स कर लें। ये देखें माशाल्लाह कितने प्यारे जो है ना ये गल गए हैं टमाटर और मिक्स मैंने कर लिए हैं। ऐसे ही आप लोग भी कर लें जी माशाल्लाह। अभी इसके अंदर जो है ना मसाले ऐड कर दूंगा, ये वाले काली मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी, ये मिक्स कर लेंगे। अभी इन्हें जो है ना अच्छे तरीके के साथ इसके अंदर मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे मिक्स कर लेंगे और इन्हें इसके अंदर भून लेंगे।
जी माशाल्लाह मसाले जो है ना मैंने भून लिए हैं। अभी इसके अंदर जो है ना दही ऐड कर लेंगे। दही को अच्छे तरीके के साथ आप लोग उन्हें फेंट लेना। दही कोशिश करें कि मीठा हो, खट्टा नहीं हो। ये नहीं है कि चीनी डाल लें, चीनी डालनी नहीं है। तो माशाल्लाह अभी इसे जो है ना मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके के साथ। दही को मिक्स कर लेंगे। जी माशाल्लाह दही को मैंने अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लिया। अभी इसके अंदर जो है ना ये डाल लेंगे क्रीम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। क्रीम को डाल के इसे जो है ना अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास क्रीम है तो डाल लें, अगर क्रीम नहीं है तो आप लोग मलाई भी डाल सकते हो। दूध के ऊपर जो मलाई होती है वो उतार के वो भी आप इसके अंदर जो है ना ऐड कर सकते हो। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। आप लोग ज़रूर ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और इसका फीडबैक ज़रूर दें ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो जी माशाल्लाह क्रीम भी इसके अंदर जो है ना मिक्स हो चुकी है। अभी जो है ना इसके अंदर जो है ना ऐड कर लेंगे सब्ज़ मिर्च। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ऐसी कटी हुई सब्ज़ मिर्च ऐड कर लेंगे। इन्हें जो है ना मिक्स कर लेंगे। अभी जो है ना इसे बिल्कुल हल्की आंच पे बनाना है। तो माशाल्लाह अभी इसके अंदर जो है ना नींबू का रस ऐड कर लेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। आप लोग खुद भी ट्राई करें और अपने बच्चों को भी और अपने गेस्ट के लिए भी। माशाल्लाह ये रेसिपी बहुत ही प्यारी है। दो नींबू मैंने लिए थे उनका रस इसके अंदर जो है ना मैंने डाल लिया। अभी इनसे मिक्स कर लेते हैं। तो जी माशाल्लाह चिकन फगानी कढ़ाई माशाल्लाह बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसके अंदर जो है ना अभी ऐड कर लेंगे सब्ज़ धनिया और थोड़ा सा अदरक के पीस ये ऐड कर लेंगे और इन्हें मिक्स करके ऊपर से कवर करके एक मिनट के लिए रख देते हैं। तो जी माशाल्लाह हमारी जो है ना चिकन और फगानी कढ़ाई बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अभी चूल्हे को बंद कर देते हैं और इसे डिश आउट करते हैं और सब दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। तो माशाल्लाह अभी इसे जो है ना डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माशाअल्लाह ये देखे कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह ये देखे माशाअल्लाह कितनी प्यारी ग्रेवी बन गई है। ये देखे माशाअल्लाह अभी जो है ना दोस्त खाकर बताते हैं ये कैसी बनी है, टेस्ट जो है ना इसका टेस्ट कैसा है। जी हमारे गेस्ट हैं अवैस भाई, अफजान साहब हैं और कादरी रिजवान साहब हैं, असद भाई हैं। तो ये खाकर बताते हैं कि आज की हमारी चिकन फगानी रेसिपी कैसी बनी है। पहले खाते हैं फिर वो सामने नेशनल टैलेंट साहब बैठे हुए हैं, इनका भी चैनल है। जैसे मैंने पहले कहा मसाला ज्यादा कर दिया। जी कादरी साहब कैसी है यार? जो नहीं बोल रहा रेसिपी बड़ी अच्छी बनी है, बड़ी कमाल की बनी है और मज़ा बहुत ज़्यादा है इसका, बहुत ज़्यादा टेस्ट है। फर्स्ट टाइम मैं खा रहा हूँ इनके चैनल पे, तो आप भी ज़रूर टेस्ट करें, मुझे बहुत मज़ा आया। फर्स्ट टाइम ठीक है जी। अवैस भाई आप बताएं। जी इसका टेस्ट आउटस्टैंडिंग है जी। माशाल्लाह साहब भाई उन्हें ओके कर दिया और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबी अता फरमाए इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। अस्सलामु अलैकुम ऑल माई फ्रेंड।